तो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं कढ़ी। कढ़ी सबको बहुत पसंद होती है और आप देख ही रहे होंगे मैंने इसमें क्या करा है। दही लिया, दही को चला के थोड़ा सा, और इसमें बेसन और बूंदी डाल दिया मैंने। आपको देखा, अपनी सारी रेसिपी में बताती हूँ कि कौन सी चीज़ जल्दी जल्दी बन सकती है जल्दी से। तो फिर ठीक है फ्रेंड्स, आप देखो ये मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसे मिक्स कर रही हूँ। आप देख रहे होंगे इसमें कोई गांठ ना रह जाए, बस इसको मिक्स कर दिया इधर मैं। और आप देखिए कढ़ाई मैं नहीं बना रही, मैं बना रही हूँ कुकर में। और आपको इसको बताऊंगी कि क्यों बना रही हूँ, इसमें क्या फ़ायदा है। बहुत से लोगों को बहुत दिक्कत होती है कढ़ाई बनाते, पूरा टाइम चलानी पड़ती है, उसके बाद में फिर वो ऊपर से फिर निकलती है उबलते टाइम, तो गैस साफ़ करते रहो। जैसे मेरी ऐसी आदत है कि गैस बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, तो वो हर समय ही पहुँचते रहते हैं उसको। अब आप देख रहे होंगे ये पूरी तरीके से इसको मैंने फ्रेंड्स, देखिए इसमें तेल आप देख रहे होंगे कि तेल हो चुका है। अब मैं इसमें हींग और जीरा, आप हींग जीरा अच्छी तरीके से अच्छी मात्रा में डालिए, मतलब उससे क्या होता है कढ़ी में स्वाद होता है। मैं सिंपल कढ़ी बना रही हूँ बिल्कुल, ठीक है। अब इसमें हम डाल देंगे सारा लहसुन कटा हुआ इस तरीके से ना। कुकर का आइडिया तो पता है सब फ्रेंड्स, बताऊँ ना, मेरे पति ने दिया था मुझे। जब मैं बहुत परेशान हो रही थी कढ़ी बनाते बनाते कि ये बार बार निकल रही है, गैस पहुँचनी पड़ती है बार बार, उन्होंने मुझे ट्रिक दी कि तुम इसमें बना के देख सकती हो। मैंने कहा हाँ ये भी सही है। देखा तो मुझे तो भैया उस दिन से इसमें जितना अच्छा लगता है ना बनाना, दिक्कत भी नहीं होती, गैस भी गंदी नहीं होती। और आप देखिए अब ये कम गैस पे लहसुन का पेस्ट तैयार हो रहा है। उधर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जब तक वो तैयार हो रहा है, मैंने इसमें थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा सब्जी मसाला, थोड़ा सा ही गरम मसाला और थोड़ी सी ही हल्दी, बस ये चीज़ डाल के इसको दोबारा से चला लो ढंग से। जब तक उस गैस पे आपका लहसुन होता रहेगा तब तक आप इसको हल्दी का पेस्ट जो मैंने पानी के साथ बनाया था वो डाल दिया है, क्योंकि मेरी मम्मी भी बोलती है हल्दी ना इस तरीके से जब कढ़ी बनाते हैं तो आप लहसुन लहसुन का जो पेस्ट बनाते हो उसके साथ डालो, वो इस तरह टेस्ट अच्छा आता है। आप देखते होंगे मेरी वीडियो में मैं हमेशा अपनी किचन को साथ के साथ क्लीन करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे ना किचन फैली हुई बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए ना वो साथ के साथ मेरी किचन भी क्लीन होती रहती है, पहुँचती भी रहती हूँ। बस एक बात का ध्यान रखना है कि हल्दी जल ना जाए, तो उसको आप चलाते रहिए, जलनी नहीं चाहिए। अब फ्रेंड्स देखिए आप देख सकते हैं ये पेस्ट हो चुका है, मैं इसे धीरे धीरे इसमें डाल दूंगी। पता है फ्रेंड्स मेरे बर्तन भी मैं अपने बहुत कम खलाती हूँ इन चीज़ों में, बहुत से लोग तो पूरी किचन भर लेते हैं। अब ये थोड़ा सा चलाऊंगी इसमें, जिसमें जो लहसुन बोला था उसमें थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बस इतना पानी की जिससे कि इसमें जो बेसन रह गया है वो सारा यूज हो जाए। हो गया बस। मैं इसमें पकौड़ियाँ भी डाल सकती थी लेकिन मैंने पकौड़ी इसलिए नहीं डाली क्योंकि मेरे पास ना बूंदी के बहुत सारे पैकेट रखे हैं और वो यूज नहीं हो पा रहे। फ्रेंड्स मैंने बोला था ना कुकर में बनाने का कुछ फ़ायदा है और जल्दी बन जाती है और आसान रहती है। अब देखिए मैं बताती हूँ आपको क्यों। वो इसलिए कि जब कुकर में देखिए आप इसमें
छद्दार मतलब खतना मतलब खोलना। उसके बाद ना आप इसको क्या कर सकते हैं, चलाने की फिर जरूरत नहीं है क्योंकि जब खतका आ जाता है तो फट फटने का डर नहीं रहता, फटना समझते होंगे ना, वो फट जाती है दही। और दही भी पता है कड़ी भी स्वाद फ्रेंड्स जब लगती है जब वो खट्टी हो, तो मैं तो दही मंगा के उसे 3 दिन करके बनाना तब बनाती हूँ जैसे कि वो खट्टी हो जाए, जैसे कड़ी में स्वाद आए, क्योंकि कड़ी में उतना ही जब ही स्वाद आता है जब वो खट्टी होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं, ये देखिए पूरा देख रहे हैं। तो अब मैं इसको ना इसी से इसे बस ऐसे रख दूंगी, अब ये खदकती रहेगी और जितनी ये उबलेगी जितनी उबलेगी उतनी टेस्टी बनेगी। तो जब मैं पूरी बन जाती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ओके फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हो कढ़ी हमारी बन चुकी है, आप देख सकते हो गाढ़ी है एकदम, खुशबू बहुत अच्छी आ रही क्योंकि वो खट्टी है, इसलिए ऐसी खुशबू आ रही खट्टी वाली। अब क्योंकि ना इसमें सबसे ज़्यादा है कि इसको चलाते रहना जब तक कि वो उसमें खदका ना आ जाए जिससे कि वो फटे ना। आप देखिए मैंने चला दी थी, आपने देखी थी पूरी वीडियो में, अब ये बन चुकी है और मैंने ढक्के बनाई है फ्रेंड्स 10 मिनट चलाने के बाद में, जब तक उसमें खदका आ गया फिर बस फिर बंद कर दी। उसके बाद में ये कम से कम मैंने इसको आधे घंटे से और भी काम करती जा रही हूँ, साथ के साथ वॉशिंग मशीन लगाइए, मैं वॉशिंग मशीन का काम कर रही हूँ जब तक। ये देख सकते हैं आप, ये पूरी तरीके से बन चुकी है। ओके फ्रेंड्स, आप भी ऐसे बनाइए, ट्राई करिए। ओके बाय।